नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पी बाई ई रेशियो, या फिर जिसे हम प्राइस बाई अर्निंग रेशियो भी बोलते हैं, प्राइस बाई अर्निंग रेशियो। अब अगर मैथमेटिकल में आ जाए तो पी रेशियो का मतलब हुआ जो आप प्राइस पे करते हैं फॉर वन शेयर, जो आपको एक शेयर खरीदने के लिए जो प्राइस पे करना पड़ता है, और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अर्निंग पर शेयर से, अर्निंग पर शेयर। अब ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जितने भी कंपनी ने पिछले लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट कमाया है, अगर उसको हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर दें, तब उस कंपनी की ईपीएस निकल जाती है, जिसे हम लोग अर्निंग पर शेयर कहते हैं। और पी बाई ई होता है जो आपने प्राइस पे किया और डिवाइडेड बाय ये ईपीएस। ओके, अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू ई पी बाई ई को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बंदा है राम, उसे एक शॉप खरीदनी है, एक शॉप उसे ये खरीदनी है। अब ये शॉप मान लीजिए लास्ट ईयर में, लास्ट वन ईयर में इन्होंने, इस शॉप ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, और राम को इस शॉप को खरीदने के लिए मान लीजिए 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। राम के लिए, और ये शॉप जो 10 लाख रुपए दे रहा है, इसमें इस शॉप को, राम को 100% ओनरशिप मिल रहा है। 100% ओनरशिप का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ शेयर इसका एक है, और जो कि डायरेक्टली राम के पास है। तो राम के लिए इस दुकान का पी बाई क्या हो जाएगा? जो राम ने इसके लिए प्राइस पे किया जो कि है 10 लाख रुपए, और इसका जो अर्निंग है इस दुकान का, तो लास्ट एक साल में कंपनी ने 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट किया था, तो राम के लिए इस दुकान का जो पी रेशियो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अब मान लीजिए राम ने एक और डील की, राम ने श्याम से फिर से एक शॉप खरीदी। ये दुकान जो थी, ये जो शॉप थी वो श्याम की थी, लेकिन श्याम ने इसे राम को बेचा, लेकिन सिर्फ 50% ऑफ द ओनरशिप बेचा। यानी कि इस दुकान के अभी भी दो हिस्से हैं, एक है राम के पास और एक है श्याम के पास। अब क्या होता है कि ये जो दुकान, जब इसने, जब 50% राम ने खरीदी, तो राम ने श्याम को यहाँ पे 10 लाख रुपए दिए फिर से। अब देखते हैं इस केस में पी वाई रेशियो क्या होता है। इसमें जो प्राइस जो राम ने पे किया वो अभी भी 10 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ पे अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? इस केस में अर्निंग पर शेयर क्या होगा कि अर्निंग अभी भी जो दुकान है वो 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट की है लास्ट वन ईयर में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि अर्निंग पर शेयर, क्योंकि यहाँ पे दो हिस्सेदारी हो गई है दुकान की, जो ईपीएस है वो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, यानी 50,000। और इस केस में तब पी बाई ई रेशियो जो राम के लिए हुआ वो हुआ 10 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, 50K, सो दिस विल बी अराउंड 20। सो इस केस में जो पी रेशियो है वो राम के लिए 20 हो जाता है, लेकिन इसके जो प्रीवियस वाले केस था उसमें राम के लिए जो पी बाई है वो सिर्फ 10 रहे। अब अगर हमें किसी कंपनी का पी रेशियो निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है, सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर से डिवाइड उसे कर देना होगा। और अर्निंग पर शेयर के लिए क्या होगा कि आपको टोटल, अर्निंग पर शेयर के लिए आपको जो टोटल ने नेट प्रॉफिट कमाया होगा लास्ट वन ईयर में, उसके हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा उसको नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से, तब जाके उसका ईपीएस निकल जाएगा। और उसके बाद अगर हम उसे करंट मार्केट प्राइस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें उस कंपनी का पी बाई रेशियो जो है वो एकदम आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इतना आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। मैं एक तरीका बताता हूँ जिसमें आप किसी भी कंपनी का पी बाई रेशियो तुरंत से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एनएसई इंडिया खोलना है, और यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम डाल देना है जिसका आपको पी बाई रेशियो चाहिए, जैसे टीसीएस। अब जब हम ये एनएसई में टीसीएस डालते हैं तो यहाँ पे देखिए टीसीएस का सिंबॉलिक पी बाई यहाँ पे 29.38 है। यानी कंपनी जो है इसका जो प्राइस है
वो 23.98 टाइम्स है जो उसने लास्ट 1 ईयर में जो इसका ईपीएस था उसका 29.38 टाइम्स जो है वो उसका प्राइस अभी चल रहा है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आप पी बाई का मतलब क्या होता है और आप उसे किसी भी कंपनी का कैसे देख सकते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।